जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक ओर कोरोना महामारी और दूसरी ओर लंबी अवधि के लॉकडाउन के चलते गांव के दलित गरीब मजदूर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। लॉकडाउन के कारण 6-7 महीने से काम धंधा बंद होने के कारण लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में गरीब के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। वहीं उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आने से संकट को और भी गहरा कर दिया है। ऐसी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों को सरकार राम भरोसे छोड़ दी है। उन्हें कम से कम 25,000 मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन सरकार उन लोगों के प्रति संवेदनात्मक व्यवहार करने के बजाय क्रूर व्यवहार ही कर रही है। पूरे देश के छात्र जेईई नीट का परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में परीक्षा कराने की मांग देश के हर कोने से उठ रही है। इसके साथ ही भाकपा माले और अखिल भारतीय ने खेत ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में अरवल जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। खेत मजदूर सभा और भाकपा माले द्वारा जो लॉकडाउन के कारण और महामारी के कारण सरकार के अव्यवस्था के कारण गरीबों के सामने संकट आया है, उस संकट को दूर करने के सवाल पर मांग लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें दलित गरीबों और जो प्रवासी मजदूरों खास करके यहाँ जो रह रहे हैं लोग, उन लोगों को रोजगार छीना गया है, रोजगार नहीं है, लोगों को खाने की दिक्कत है, राशन के संकट है। इसलिए इन सवालों को लेकर आज जो है पूरे बिहार में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का एक स्मारक पत्र देंगे। यहाँ के वीडियो के द्वारा वीडियो के स्मारक पत्र दिया जाएगा और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के मजदूरों को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाए, राशन की गारंटी किया जाए, राशन देने में जो आनाकानी किया जा रहा है उसको ठीक किया जाए। बहुत सारे गरीबों का राशन कार्ड नहीं है, उन राशन कार्ड को दुरुस्त किया जाए, उन लोगों को राशन दिया जाए। और दाल देने की बात कह रही थी सरकार, लेकिन देख रहे हैं कि दाल जो नीचे आते आते 100 ग्राम 200 ग्राम दाल प्रति परिवार महीना में दिया जा रहा है। तो ये हालत है और ये सरकार का जनता के प्रति, सरकार का या किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति जो अड़ियल रवैया है, उस अड़ियल रवैया के खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के बच्चे न पढ़े, ऐसी शिक्षा नीति लाई गई है जो गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का यह शिक्षा नीति लाई गई है। इस आज प्रदर्शन के जरिए हम लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि वो शिक्षा नीति को वापस लिया जाए और जो जन कल्याण वाला, जो जन पक्षीय जो शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति को लागू किया जाए और यहाँ किसानों को प्रति माह 10,000 रुपया उनको दिया जाए, मजदूरों को दिया जाए, ये सब मांग किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित आधा जिला, जो आधा बिहार जो है बाढ़ से पीड़ित हैं, उन बाढ़ पीड़ितों को करीब कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा की मांग हम लोग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया था। अरवल से तबरेज अंसारी की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।